चीज को अंडरस्टैंड करना वो ज्यादा बासानी बनेगा इस कॉन्टेक्स में जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेट करते हैं तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो दूसरों के साथ डिस्कशन के अंदर तो अपनी डिस्कशन को बड़ा लॉजिकल रखें अपनी डिस्कशन को इस तरीके से एलैबोरेट करें कि इट इज इन स्मार्ट फैशन इट माइट बी कंसर्न विद योर मयरेबल कॉन्टेक्स्ट विद योर शेयर विद योर अचीवेबल कॉन्टेक्स्ट और अपनी गुफ्तगु को इस तरीके से आप इस पेराए में बंद करें कि आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अपनी बात को एबोरेट वो कर सकें बिकॉज जब तक आपकी गुफ्तगु सही तौर पर नहीं कंडक्ट होगी उस वक़्त तक आप अपना व्यू पॉइंट भी अगले शख्स को नहीं सिखा पाओगे द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के आप दूसरे शख्स के लिए बैड टेस्ट क्रिएट नहीं करें कोई ऐसा तनकीदी जुमला कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज नहीं करें जिससे कि ऑफेंसिव कंडक्ट वो फील हो बिकॉज अगर आप एक बैड टेस्ट क्रिएट करोगे या बैड वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करोगे तो उससे ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका जो एक रेपर्ट है अगले शख्स के साथ वो मुतासर होगा देरफोर रिमेंबर कि यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट बिकॉज टू एडजस्ट इज अ बेटर एस्पेक्ट एज कंपेयर टू टू गो फॉर कंप्रोमाइज टू गो फॉर फाइट सो so, एडजस्टमेंट करने से आप चीजों को बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड भी कर सकते हो अंडरस्टैंड भी कर सकते हो एलेबोरेट भी कर सकते हो और ऑब्वियसली आपका जो कंडक्ट होगा एडजस्टमेंट के दौरान वो इज लाइक अ स्ट्रिंग एक रस्सी के मानद होगा कि जो अपनी स्ट्रेंथ पे कंप्रोमाइज नहीं करती जबकि अगर हम कंप्रोमाइज की तरफ जाए तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्प्रिंग स्प्रिंग प्रेशर पड़ने से दब तो जाएगा लेकिन मौका मिलते ही उतनी ही फोर्स से रिपेल बैक भी करेगा सो so,

पॉजिटिविटी so, को प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेन काम यू हैव टू रिमेन परसिस्टेंट एंड यू हैव टू द आयरन नर्व टू डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नाउ रिमेंबर इमोशनल इंटेलिजेंस में जहां पर हम सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस जैसे पॉइंट डिस्कस करते हैं वहां पर यू हैव टू बी ऑथेंटिक यू हैव टू बी डिप्लोमैट यू हैव टू बी पोलाइट एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी कोलेबोरेटिव ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं अपने आप को एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बिकॉज ये चारों वो चीजें हैं जिससे कि आप ऑथेंटिक लीडर भी अपने आप आपको प्रेजेंट कर पाओगे एज एन ऑथेंटिक लीडर और आप अपने आप को एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर भी प्रेजेंट वो कर सकते हो आपका क्रिजमा भी उससे क्रिएट वो हो सकता है

आमद हो वो डियर स्टूडेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसको कब कहां क्यों कैसे अपना बर्ताव वो शो करना है सही तौर पर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ और इस बात को समझते हुए कि दूसरा शख्स भी इंसान है उसके भी जज्बात और एहसास हैं और कहीं पर भी आप कोई ऐसा अमल ना करो जिससे के कंप्रोमाइज वो करने पड़े थैंक यू